हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 यूनिट 2 हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर हम पहले सेशन की बात करें तो जो पहले सेशन का नाम है वो है सिनेरियोस एनालिसिस। ठीक है, अब देख सकते हैं सिनेरियोस एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में हम लोग बेसिकली तीन टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है कंसोलिडेटिंग डेटा, दूसरी जो टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग सब टोटल्स, एंड तीसरी जो है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा क्या होता है। सो डेटा कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा। यानी जो डेटा कंसोलिडेशन का यही प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह के डेटा को, 1, 2, 3 डिफरेंट तरह के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल जगह में क्या करते हैं, हम लोग उसको मैच करते हैं, सिंगल जगह पर लाते हैं, ठीक है, या इंटीग्रेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि सो डेटा कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन टू ए सिंगल डेस्टिनेशन। यानी डिफरेंट तरह के मल्टीपल सोर्सेज होंगे और उसके सिंगल जगह पर उसको क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे, उसको हम बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। सो आगे बढ़ते हैं किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो डेटा कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट 1 है ये, या सीट 2 है और सीट 3 है, ठीक है, यानी सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो बेसिकली ये तीन डेटा हैं, ठीक है, यानी तीन सीट हैं यहाँ पर, और तीनों सीट के डेटा को एक जगह पर क्या करना, हमें इंटीग्रेट करना है या कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम तीनों सीट के जो डेटा हैं उसको हम लोग एक जगह पर क्या करें, कलेक्ट कर दें, तो उसको हम बोलेंगे डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर डेटा कंसोलिडेशन करना है तो बेसिकली आपको कहाँ पर जाना होगा, डेटा मेन्यू में जाना होगा, ठीक है। डेटा मेन्यू में जाएंगे तो आप कंसोलिडेट रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेट, पहले जाएंगे डेटा मेन्यू में, इसके बाद से आएंगे कंसोलिडेट डेटा में, ठीक है। जब कंसोलिडेट डेटा में आ जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पर, समझते हैं इसको पहले। यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शंस क्या मतलब है, यहाँ पर किस तरह का फंक्शंस आप उस डेटा पर अप्लाई करना चाहते हो, लाइक उसे सम यानी जोड़ना चाहते हो, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मिनिमम नंबर चाहिए उन सारे डेटा में से, या मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन रेंजेस, रेंजेस का मतलब होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक क्या करना चाहते हो, जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, रेंज को सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, डेटा सोर्स रेंज, यानी जो डेटा सोर्स रेंज होता है आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, डेटा सोर्स रेंज में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रेंज 1, रेंज 2 जिस तरह आप नाम दिए रहेंगे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस तरह से आ जाएगा बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से, जब सारे डेटा को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं लास्ट में, ठीक है। जब ओके क्लिक करेंगे, या तो हम लोग को चेंज चूज करना पड़ता है कि फंक्शंस कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं इस डेट शीट पर, ठीक है। सम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मिनिमम मैक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का फंक्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स मीन प्रोडक्ट, मतलब क्या निकालना चाहते हो अपने डेटा पे, उसके बाद से क्या करना है, ओके क्लिक कर देना है। जब ओके क्लिक करेंगे तो आपको जो तीनों सीट की जो डेटा है आप देख सकते हो यहाँ पर, वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सम परफॉर्म हुआ ना, यहाँ पर सम हुआ है, देखिए आप यहाँ पर सम लिखा हुआ है, तो यानी तीनों डेटा जो है, पहले वाला का 100 है, ठीक है, दूसरे वाला का 1100 है, ठीक है, और तीसरे वाला का 2100 है, यानी जो तीनों को मिला होगा वो 3300 होगा, पहले वाला का, दूसरा आप देख सकते हैं पूरा का सम हुआ, ठीक है। यानी तीनों को ऐड करके एक जगह यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल कर दिया, इसको बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे कैलकुलेटिंग सब टोटल्स, यानी सब टोटल्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सब टोटल क्या होता है बेसिकली, अगर ढेर सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या ढेर सारे हम बोल सकते हैं कि मनी है, या ढेर सारे पैसेज हैं, ठीक है, जिसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ढेर सारे नंबर्स है जिसको कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली अगर हम समझ लेते हैं, हमारा जो डेटा है वो जॉन
जोन नाम से यहाँ पर है, प्रोडक्ट है, ये सेल्स है, यानी इतने रुपए का सेल्स हुआ, ठीक है। अगर हम पूरे को टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए ए ए यहाँ से यहाँ तक ए तक है, या बी से बी, बी यहाँ तक है, ठीक है। आप देख सकते हो ए से ए यहाँ तक है, बी से बी यहाँ तक, सी से सी यहाँ तक है, सी यहाँ तक है और डी इसके बाद से है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करना है, ठीक है। बी का बी में रहना चाहिए, सी का सी में रहना, और डी में, डी का डी में रहना चाहिए। तो किस तरह से सब टोटल करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सब टोटल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस तरह का मेन्यू यूजर इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो किस चीज़ का हम निकालना, किस चीज़ का टोटल करना चाहते हैं हम लोग, सेल्स की टोटल करना चाहते हैं ना। अगर सेल्स की टोटल करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसको यानी सेल्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पर ग्रुप बाय जोन्स, ठीक है। और यहाँ पर जो भी फंक्शन अप्लाई करना हो, यहाँ पर सम के फंक्शन अप्लाई करना है तो सम का फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो ए की डेटा यहाँ से यहाँ तक थी तो यहाँ पर टोटल हो गई है, ठीक है। बी की डेटा यहाँ से यहाँ थी तो बी की टोटल हो गया, सी की जो बी सी की जो डेटा थी वो यहाँ पर टोटल हो गया, और डी की जो डेटा है यहाँ पर टोटल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने क्या आ गया, सब टोटल्स आ गए उन सारे सेल्स के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, यानी व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई कार वगैरह खरीदा, ठीक है, लोन पर, तो आप उस लोन को कितने दिन में या कितने इंस्टॉलमेंट देना चाहते हो, ठीक है। यानी आप इसमें अगर सिर्फ इंस्टॉलमेंट आप चाहते हो कि मेरा 10,000 है और मुझे 40 इंस्टॉलमेंट देना पड़े, या जितना अपने अकॉर्डिंग देना पड़े, ठीक है, तो आप चूज करते हो कि कितने इंस्टॉलमेंट में या कितने बार में मुझे उस लोन को देना पड़ेगा ताकि मैं जो कार खरीदा हूँ वो, इसकी जो कार का जो लोन है वो चुकाया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट इफ एनालिसिस का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। व्हाट इफ जो एनालिसिस है बेसिकली तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सिनेरियोस होता है, गोल सीक होता है, और सॉल्वर होता है, तीन तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इफ सिनेरियो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो तो यहाँ पर व्हाट इफ सिनेरियो पढ़ते हैं। तो सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पर डिफिनीशन है, आप देख सकते हो, इसको पहले पढ़ लेते हैं। अ सिनेरियो इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल विच हेल्प्स बिल्ड अ मॉडल वेयर इन चेंजेस मेड इन वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द पॉसिबल आउटकम। सिनेरियो के ही मतलब होता है, किसी भी वैल्यू को अगर चेंज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिनेरियोस। यहाँ पे एक सीट दिया गया है, ठीक है। ये जो सीट है बेसिकली ये एक कार लोन का है, ठीक है। ये है इम्पैक्ट ऑन मंथली बजट आफ्टर ए न्यू कार परचेज। अगर आप एक नया कार परचेज किया कोई, ठीक है, तो किस तरह से उसको क्या क्या चुकाने पड़ेंगे। जैसे कि लोन अमाउंट क्या है, 40,000 है, ठीक है, यानी 4,00,000 है, ठीक है, जो लोन अमाउंट है 4,00,000 से। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी 48 इंस्टॉलमेंट ये देना चाहता है, ठीक है। और इसके बाद से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 12% है। और जो फ्यूल का खर्चा वो 35 रुपये है, ठीक है। इंश्योरेंस है, और यहाँ पे इंश्योरेंस है, और यहाँ पे कितना मतलब ट्रेवल करेगा, कितने पैसे लगेंगे, और यहाँ पे फ्यूल का प्राइस है, ठीक है, मतलब टोटल उसका डिटेल दिया गया है। तो वो कितने का मंथली इंस्टॉलमेंट करेगा कि उसका कितना पैसा आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, ठीक है, ABS PMT, आप देख सकते हो यहाँ पर ABS PMT, ठीक है, B6 12, B5 B4, ठीक है। यानी पहले क्या करेंगे, B6 कहाँ पे, यहाँ पे B6 पहले को इसको लेंगे, ठीक है, अपॉन 12 क्या है, 12 मंथ है, ठीक है। B5 कहाँ पे, B5 यहाँ पे, ठीक है, एंड B4 कहाँ पे, B4 यहाँ पे। यानी तीनों का हम क्या करेंगे, मैच करेंगे और ये फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, कि अगर हम लोग 10,534 रुपये हर एक महीने जमा करते हैं तो ये जो लोन है बेसिकली 48 मंथ में या 48 बार में ये चुक जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग चुका देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको करते कैसे हैं, आप देख सकते हो, इसके लिए बेसिकली हम टूल कमांड पे जाते हैं, उसके बाद सिनेरियो में क्लिक करते हैं, ठीक है, सिनेरियो पे क्लिक करते हैं। जब सिनेरियो पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर नाम है सिनेरियो का, यहाँ पर कार लोन 4 ईयर्स यानी 4 साल में, 12 × 48 होता है ना, 4 साल में मैं चुकाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉपी बैक को क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे,
जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो पहला सीट था यहाँ पर और यहाँ पर न्यू सीट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 48 इंस्टॉलमेंट है या अगर यहाँ पर 48 इंस्टॉलमेंट है, अगर इसको 60 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो पहले हमें 10,500 कुछ रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 8,898 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर चेंज किया, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 60 इंस्टॉलमेंट चेंज किया, तो इसके जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट बढ़ेंगे तो आपका जो लोन देने के जो पैसे होंगे वो क्या होते हैं, रुपये होंगे, वो घटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे एक नया है कि कार लोन 5 ईयर्स यानी 5 साल में आपको क्या करना है, पे करना है। तो यहाँ पे बताया है किस तरह होगा, तो सेमी प्रोसीजर फॉलो होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अप्लाई करोगे, फार्मूला वगैरह पूरे इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे है, तो आपको 8,898 देना पड़ेगा, क्योंकि आप 60 इंस्टॉलमेंट में आप उसको लोन चुकाना चाहते हो। अब देखते हैं गोल्ड सिक कैसे काम करता है। गोल्ड सिक के लिए बेसिकली आप क्या करते हो, टूल्स पे जाते हो, गोल्ड सिक पे क्लिक करते हो और यहाँ पर गोल्ड सिक है, ठीक है, और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फार्मूला सेल है, टारगेट सेल है और वेरिएबल सेल है, तीन तरह के सेल हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टारगेट सेल, फार्मूला सेल, फार्मूला जहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, टारगेट वैल्यू, या अगर इसमें क्या होता है, गोल्ड सिक में हम लोग, हमें टारगेट पहले से पता होता है कि हमें अगर मैं 9800 रुपये दूंगा तो मुझे कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें था सिनेरियम था कि अगर मैं इतने इंस्टॉलमेंट दूंगा तो कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे, और इसमें है इतने पैसे देंगे तो कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, उसका सीधा उल्टा है, ठीक है इसमें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि अगर मैं 9800 चुकाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, अगर मैं 9800 रुपये महीना देना चाहता हूँ एक इंस्टॉलमेंट, तो मुझे कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे 4 लाख चुकाने के लिए, 52.71 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है, 12% इंटरेस्ट के साथ। ऐसे काम करता है गोल्ड सिक। अब सॉल्वर की बात करते हैं, जो सॉल्वर है, ठीक है, टूल इज अ मोर इलोबरेट फॉर्म ऑफ अ गोल्ड सिक एंड इट्स डील विद द इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल, इसके साथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल के साथ यूज करते हैं सॉल्वर का, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, आई एम ऑफ सॉल्वर इज टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट का को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो। ये क्या है, अब ये जो चैप्टर है वो समाप्त होती है, जो चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है आप यहां से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पीडीएफ है या इसको इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होगा, ये सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन, व्हाट इज इट इज यूज, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेशन टू की बात करें, वो है लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा, हम किस तरह से स्प्रेडशीट डेटा को लिंक करते हैं, ठीक है, डेटा को लिंक करते हैं, ठीक है, किसी स्प्रेडशीट से। तो बेसिकली हम लोग इस सेशन में डिफरेंट तरह के यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले, जैसे कि नीड फॉर मल्टीपल वर्कशीट्स, सेटिंग ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, लिंकिंग शीट्स, हाइपरलिंक टू द शीट, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सो इसमें पहला इंट्रो पढ़ते हैं, बेसिकली इसका यूज क्यों होता है, ठीक है। मनी टाइम्स योर डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल शीट्स, वेयर वन शीट्स माइट बी रेफरिंग टू डेटा इज अनदर शीट्स और इवन सम एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आपका जो डेटा होता है डिफरेंट शीट में क्या होती है, स्टोर होती है, लेकिन आप उसको एक जगह पर देखना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उससे क्या होता है, इसके लिए लिंकिंग स्प्रेडशीट का डेटा, लिंकिंग स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है। अब इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर सीट का जो नाम है वहाँ पर दिया रहता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है इंसर्टिंग अ सीट, आप किस तरह से इंसर्ट करोगे सीट कैल्सी में, पहला क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे और इसके बाद सीट पर क्लिक करोगे, ठीक है, इंसर्ट पर जाओगे, सीट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो सीट है वो इंसर्ट हो जाएगी। कितने सीट चाहिए यहाँ पर चूज कर सकते हो, 1, 2 नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीनेमिंग अ सीट, रीनेमिंग का मतलब होता है कि नाम चेंज करना, यानी कोई सीट पहले से है उसका जो नाम कैसे चेंज करोगे, तो क्या कर सकते हो आप इसका, या तो राइट क्लिक करो या डबल क्लिक करो उस सीट पर, ठीक है, जब सीट पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर रीनेम सीट आ जाएगा, रीनेम पर क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हो इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, और ओके क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपकी सीट हो जाएगी। डिलीटिंग अ सीट, सीट को किस तरह से डिलीट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट सीट पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा।
अब बात आती है लिंकिंग सीट्स या यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर सीट्स, यानी किस तरह से हम डेटा को लिंक कर सकते हैं या सीट को लिंक कर सकते हैं और दूसरे डेटा को भी दूसरे सीट से कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इफ़ यू आर वर्किंग विथ मल्टीपल सीट्स देयर मस्ट बी सम सिचुएशंस वेयर यू वुड नीड टू यूज डेटा विच इज स्टोर इन अदर सीट्स। इसमें क्या होगा, अगर आप वर्क कर रहे हो मल्टीपल सीट के साथ, आपको उस सिचुएशंस मतलब ऐसे सिचुएशंस आपको जानना चाहिए या मतलब आपके पास होना चाहिए वेयर यू वुड नीड टू यूज डेटा विच इज स्टोर इन अदर सीट, यानी आपके पास ऐसा सिचुएशंस आना चाहिए जो कि आपकी आवश्यकता हो दूसरे सीट में रखे हुए डेटा को यूज करने के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सेल रेफरेंस इक्वल टू कॉलम लेटर प्लस रो नंबर, ठीक है, इस तरह से होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें सीट को लिंक करना हो तो क्या करते हैं, सीट टू डॉट ए वन प्लस सीट थ्री डॉट बी फोर, ठीक है, प्लस कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम ए में लिखेंगे ये फार्मूला, जब ये फार्मूला लिख दिया तो सीट टू में हम लोग जाएंगे, ठीक है, ये जो बात है सीट वन का है, अब सीट टू में चलते हैं क्लिक करके, यहाँ से सीट टू में चलेंगे। अब जब सीट टू में चलेंगे तो वहाँ पर पहले जो ए वन है वहाँ पर 1400 लिख देंगे, ठीक है, और सीट थ्री में जो बी फोर है वहाँ पर 600 लिख देंगे, यहाँ पर 1400 है यहाँ पर 600 है, ठीक है। अब दोनों को जब मैच करेंगे यानी दोनों को जब क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है, यानी जो सीट टू में रिजल्ट आएगा 2000 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, डेटा लिंक हो जाता है, जो दूसरे सीट का डेटा दूसरे सीट में दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरह से काम करता है हाइपरलिंक टू द सीट, यानी किस तरह से हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे सीट में, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज अ लिंक क्लिकिंग ऑन विच ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट सच एज अ वर्ड शीट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इमेज फाइल सो ऑन, यानी हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो कि हम जहां उस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरी जो फाइल होती है पीडीएफ होती है या टेक्स्ट होती है डॉक्यूमेंट या इमेज वो ओपन हो जाती है हमारे सामने, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, बटन की तरह काम करता है। इसको यूज करने के लिए बेसिकली हम लोग हाइपरलिंक पर जाते हैं और इसके बाद से इंसर्ट में जाएंगे और हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पाथ वगैरह देते हैं जो भी चीज़ें हमें ऐड करना हो, ठीक है, और इसके बाद से क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह का लिंक आपका बन के तैयार हो जाएगा, जब इस तरह का लिंक बन जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करोगे जब तो जो आपकी फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब लिंक जो होती है वो दो तरह की होती है, पहला है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेटिव को पढ़ते हैं, क्या होता है रिलेटिव लिंक, द वर्ड रिलेटिव मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द करेंट लोकेशन, यानी जो रिलेटिव हाइपरलिंक है वो करेंट लोकेशन दिखाता है उस फाइल का, जैसे कि यहाँ पर मेन फाइल है तो उसकी जो सेकेंड फाइल है उसके अंदर फाइल है उसके अंदर फाइल है, ठीक है, इस तरह दिखाएगा करेंट फाइल। और जो बात करें हम लोग एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की, जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो टेल्स हाउ टू गेट अ फाइल फ्रॉम अ टॉप मोस्ट फोल्डर, यानी फोल्डर से या किसी रूट फोल्डर से किस तरह से हम किसी फाइल को या हमें प्राप्त होगा या हम पाएंगे उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। यूज ऑफ हाइपरलिंक पढ़ते हैं क्या होता है, हाइपरलिंक आर वेरी यूजफुल वेयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आल्सो रिक्वायर्ड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट, यानी हाइपरलिंक काफ़ी यूजफुल होता है अगर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए। अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम वेरी लार्ज विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी फायदा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल बाई क्लिकिंग एट द हाइपर लिंक, कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइपर लिंक पर क्लिक कर तो आपको तुरंत मिल जाता है। हाइपर लिंक्स मेक डॉक्यूमेंटेशन रीडर फ्रेंडली, यानी जो हाइपर लिंक होता है वो डॉक्यूमेंटेशन रीडर को काफ़ी फ्रेंडली करता है, मतलब पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, यानी इसका मतलब है किसी बाहरी डेटा को हाइपर लिंक के थ्रू लिंक करना, ठीक है, उसको बोलते हैं लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। अब इसको लिंक करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पर जाएंगे और इस तरह का डेटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे लिंक टू एक्सटर्नल डेटा तो क्या आ जाएगा, इस तरह का एक डायलॉग ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे इम्पोर्ट ऑप्शन लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हो। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से आप किस तरह से लिंक करोगे, सो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इन ओपन ऑफिस मीन्स इफ अ डेटाबेस इज .odb फॉर्मेट और नॉट द रजिस्टर्ड डेटा सोर्स द बेस्ट डेटाबेस
रजिस्टर्ड एज डॉट ओडीबी कंपैटिबल फॉर्मेट डेटाबेस, यानी अगर हमारे जो डेटाबेस की जो फॉर्मेट है डॉट ओडीबी है तो जो क्या होगा आसानी से लिंक हो जाएगा डेटा सोर्स से। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं और ओपन सोर्स ऑफिस बेस में जाएंगे और डेटाबेस में जाएंगे, उसके बाद से न्यू क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो व्यू में गया, डेटा सोर्स आ गया, तो यहाँ पर डेटा हमारा दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ये जो चैप्टर है वो समाप्त होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसको स्किल्स और लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो सेशन है वो है शेयर एंड रिव्यू अ वर्कशीट। शेयर का मतलब होता है भेजना, एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना। ठीक है, सो इसका बेसिकली मतलब है टू कैटर टू सिचुएशन दैट रिक्वायर द यूज ऑफ सेम फाइल बाय मल्टीपल यूजर्स, यानी कभी कभार हमारे साथ होता है सेम ही फाइल होता है लेकिन मल्टीपल यूजर्स को रिक्वायर होता है। ठीक है, रिक्वायर का मतलब होता है सेम ही डेटा पर ढेर सारे लोगों का काम होता है, तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है, शेयर का यूज होता है। ठीक है, क्या करते हैं किसी इंसान के पास हम लोग शेयर कर देते हैं, वो लोग देख के अपने अकॉर्डिंग वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन, इसका क्या मतलब है, इसके लिए टूल्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, ओपन डायलॉग, ओपन ऑफिस यूजर डेटा। ठीक है, इस यहाँ से आप देख सकते हो टूल्स पे गए, ऑप्शंस पे गए, यूजर डेटा। यूजर डेटा मतलब आप यहाँ पर पूरा डेटा फिल करोगे जिसको शेयर करना हो। ठीक है, इसके बाद ओके क्लिक कर दोगे। यहाँ पर सेटिंग अप स्पेस सीट फॉर शेयरिंग, यानी किस तरह से हम लोग शेयरिंग के लिए सेटअप करते हैं। पहला हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, उसके बाद से शेयर डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फाइल का नेम आपका आसानी से शेयर हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ए शेयर डॉक्यूमेंट, किस तरह से शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है, फाइल ओपन पे जाकर क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा आसानी से। सेविंग ए शेयर स्प्रेडशीट, यानी इसको भी सेव कर सकते हो आसानी से। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेंज इन स्प्रेडशीट, किस तरह से रिकॉर्ड करोगे कोई भी चेंजेस अगर स्प्रेडशीट में हुआ, तो समटाइम व्हाइल वर्किंग ऑन योर वर्कशीट यू डिले द सेविंग ऑफ योर सेविंग अंटिल कंफर्म बाय द सीनियर पर्सन लाइक योर टीचर और मैनेजर एक्सेट्रा। कभी कभार क्या करते हो, किसी वर्कशीट पर आप काम करते हो और आप उसको बिना दूसरे की इजाज़त, यानी जो आपके सीनियर हैं बिना उनकी इजाज़त से आप सेव नहीं कर पाते, क्योंकि आप क्या करते हो उसे कंफर्म कराना चाहते हो कि एक्चुअली में जिस डेटा पर मैं काम कर रहा हूँ या जिस डेटा पर मैं अभी बना रहा हूँ कुछ चीज़ें वो बिल्कुल में सही है या नहीं है, तो दूसरे से आप राय लेते हैं, अगर वो सही रहती है तब क्या करते हैं आप उसको चेंज करते हैं या उसको सेव करते हैं, तो यही बोलते हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट। तो इसके लिए बेसिकली हम एडिट पे जाते हैं, चेंजेस पे जाते हैं और इधर पे रिकॉर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एडिंग अ कमेंट टू द चेंज सेल्स, यानी कमेंट भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। एडिट, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर चेंजेस पे जाएंगे और यहाँ पर कमेंट पे जाएंगे। ठीक है, व्यूइंग चेंजेस, अगर चेंज देखना है तो एडिट पे जाएंगे, उसके बाद चेंजेस पे जाएंगे और इसके बाद से व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेटा। मर्जिंग डॉक्यूमेंट, मर्जिंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, वेयर मल्टीपल रिव्यूअर गिवन एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, वो किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल रिव्यूअर्स हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को दिया जाता है उनको एडिट करने के लिए, जैसे हाउस टीचर हो गए, ठीक है, अपॉइंटेड टू अ मोर स्टूडेंट्स टू एस्टिमेट द बजट, बजट के बारे में वो लोग सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए किस तरह से हम लोग मर्ज करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो मर्ज के लिए बेसिकली हम लोग एडिट में जाते हैं, एडिट में जाकर चेंजेस में जाएंगे, चेंजेस में जाकर मर्ज डॉक्यूमेंट में जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे और मर्ज डॉक्यूमेंट में जाएंगे। इसके बाद से मर्ज डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो जो भी चीज़ें आपको मर्ज करनी हो, ठीक है, डेटा आप यहाँ से मर्ज कर सकते हो। कंपेयर चेंजेस, कंपेयर भी कर सकते हो, ये जो चैप्टर है वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो। सेशन फोर, मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, ठीक है, सेशन फोर का जो नाम है वो मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में मैक्रोज, ठीक है। सो मैक्रोज का यूज क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इज अ सेव्ड नेम्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की
strokes that are stored for later use. यानी macro का मतलब यही होता है, कोई command होता है, कोई sequence होता है जिसको हम लोग सेव कर लेते हैं कहीं पर बाद में यूज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं macro. ठीक है, क्रिएटिंग अ मैक्रो टू द रिकॉर्ड. किस तरह से मैक्रो हम लोग क्रिएट करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम लोग टूल्स मेनू में जाएंगे. यहाँ पर जाएंगे टूल्स मेनू में, जाकर जाने के बाद आपको मैक्रोज ऑप्शंस मिलेगा और मैक्रो में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो मिलेगा. रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तब इस तरह का स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद से क्या होगा, आप चेंज कर सकते हो क्या फॉर्मेट चाहिए आपके, साइज वगैरह. ठीक है, जो भी चीज़ें आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हो आपके रिकॉर्ड होती है. ठीक है, इसके बाद से स्टॉप कर देते हो रिकॉर्डिंग. स्टॉप करने के बाद क्या होता है, मॉडल वन होता है, मॉडल वन कोई भी नाम दे सकते हो अपने मैक्रो का और सेव कर सकते हो. रनिंग मैक्रो, अब जब रन करना है तो टूल्स में जाओगे. ठीक है, टूल्स में जाओगे आप और इसके बाद से मैक्रोज में जाओगे और इसके बाद से रन मैक्रो. ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका रन होने लगेगा और यहाँ पर चूज करोगे क्या चीज़ है और रन कर दोगे. ठीक है, तो रन कर दोगे जो पहले जैसे आपकी जो जितने भी चेंजेस हुई है आपको दिख जाएगा आपके सामने. यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शंस, फंक्शंस की तरह किस तरह से मैक्रो का यूज कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप. टूल्स मेनू में जाना है, इसके बाद से यहाँ से मैक्रोज में जाना और इसके बाद से ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाना और ओपन ऑफिस बेसिक में जाना है. ठीक है, इसके बाद से यहाँ जाएंगे, स्कूल नेम पे क्लिक करेंगे, मॉडल वन पे जो भी फाइल नेम था, और उसके बाद रन करेंगे. ठीक है, रन करेंगे तो इसके बाद से आपका वो रन हो जाएगा. तो इस तरह से कुछ कोड दिखेंगी एक्चुअली में, वैसे कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है बेसिकली, जिससे आप जान पाओगे. क्रिएटिंग अ मैक्रो टू बिहेव लाइक अ फंक्शंस, किस तरह से मैक्रो को क्रिएट करेंगे कि बिहेव करे फंक्शन की तरह, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, सो ये है एक्सरसाइज इस चैप्टर का. आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा. सो अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.